फिल्म लाल सिंह चड्ढा फ्लॉप होने पर आमिर खान को अब लगा तीसरा झटका। तीसरे झटके में आमिर खान को हुआ करोड़ों का नुकसान। नमस्कार, सनातन टाइम्स में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक शर्मा। एक तरफ आमिर की फिल्म लाल सिंह चड्ढा बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह से पिट गई है, तो वहीं फिल्म फ्लॉप होने पर डिस्ट्रीब्यूटर्स ने आमिर खान से अपने नुकसान की भरपाई करने के लिए कहा था और मुआवजे की मांग की थी। इन दो बड़े झटकों के बाद आमिर खान को अब एक तीसरा झटका लगा है, जिसमें उन्हें लगभग 150 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। आपको बता दें कि फिल्म पिछले एक हफ्ते में महज 50 करोड़ रुपए के आसपास की कमाई कर सकी है, जबकि उम्मीद थी कि ये फिल्म पहले वीकेंड पर ही 100 करोड़ का आंकड़ा पार कर जाएगी। ऐसे में कुछ एक्सपर्ट का ये मानना है कि फिल्म 60 से 70 करोड़ के अंदर ही सिमट जाएगी, यानी कि वो अपनी लागत भी नहीं निकाल पाएगी। लेकिन इस बीच आमिर खान को नेटफ्लिक्स ने भी धोखा दे दिया है। दरअसल आमिर खान पहले अड़े रहे कि लाल सिंह चड्ढा को फिल्म रिलीज के 6 महीने बाद OTT पर लाया जाएगा। हालांकि नेटफ्लिक्स इस बात को लेकर के काफी समय तक आमिर खान को मनाती रही कि आमिर इस समय को कम करें और जल्द ही अपनी फिल्म को OTT पर रिलीज करें, जिसके लिए नेटफ्लिक्स आमिर खान को 80 से 90 करोड़ रुपए देने को तैयार थी। हालांकि आमिर खान को लग रहा था कि उनकी फिल्म सुपर डुपर हिट होगी और ऐसे में वो नेटफ्लिक्स से 150 करोड़ की मांग कर रहे थे। हालांकि अब जब फिल्म बुरी तरह से बॉक्स ऑफिस पर पिट चुकी है और अंदाजा ये लगाया जा रहा है कि फिल्म अपनी लागत भी नहीं निकाल पाएगी, क्योंकि पिछले एक हफ्ते में फिल्म ने 50 से 60 करोड़ के आसपास का बिजनेस किया है। ऐसे में अब नेटफ्लिक्स ने खुद आमिर खान का साथ छोड़ दिया है और अब नेटफ्लिक्स 80-90 करोड़ तो देने की बात छोड़िए, इस फिल्म के लिए 1 रुपए भी नहीं लगाना चाहती है और नेटफ्लिक्स ने साफ तौर पर लाल सिंह चड्ढा को खरीदने से इनकार कर दिया है। दोस्तों, आमिर खान की फिल्म लाल सिंह चड्ढा की सुपर डुपर फ्लॉप होने पर आप किसे जिम्मेदार मानते हैं? क्या इसके पीछे खुद आमिर खान जिम्मेदार हैं, या फिर जिस तरह से लोगों ने उसका बायकॉट किया उसकी सजा आमिर खान भुगत रहे हैं? आप हमें अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही।